ये अंडे क्यों रख दिए सारे अभी इसके नीचे यार, ये कुड़प थोड़ी हुई है अभी। नहीं मुझे तो लगा कि इतने सारे अंडे दे दिए, 8-10 अंडे हो गए, 8 अंडे हो गए इसके, तो मैंने रख दिया। जो भी होती है ना मिनिमम 8 अंडे, नहीं तो मैक्सिमम 22 अंडे, और आखिरी अंडे पे ना वो खुद बैठ जाएगी, जब वो आखिरी अंडे पे बैठेगी तो फिर सारे अंडे आप उसके नीचे रख देना। नहीं तो फिर उस वक्त तो ये सारे अंडे फिर एक्सपायर हो जाएंगे। नहीं नहीं भाई, ये 20-22 दिन में कोई एक्सपायर नहीं होते, इनको चाहो तो आप फ्रिज में भी रख सकते हो। फ्रिज में रख दोगे तो भी अगर आपको ये गर्मी की वजह से डरे कि ये सारे खराब हो जाएंगे, तो आप इनको फ्रिज में रख दो, और जब ये आखिरी अंडे पे बैठ जाएगी तो सारे अंडे लाके एक साथ इसके नीचे रख देना। तो हम तो ये सोच के रख दिए अंडे दोस्तों के सारे, के मैंने बोला कि 8 अंडे आ चुके हैं और काफी टाइम हो चुका है, तो फिर ये अंडे एक्सपायर हो जाएंगे, ये सोच के मैंने सारे अंडे रख दिए थे। लेकिन अभी भाई जो है वो बोल रहे हैं कि आपने अंडे जो सारे रख दिए ये गलत रखे हैं, ये अंडे तोड़ देगी, चलते फिरते तोड़ देगी, अपनी चोंच वगैरह मार के तोड़ देगी। तो अभी इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि निकाल दें इसको? हाँ, अंडे अभी अपने पास सेव करके रखे हैं, जब ये आखिरी अंडा देगी कुड़क होगी तो बैठ जाएगी उस अंडे के ऊपर, फिर उठेगी नहीं। बाकी मुर्गियों में आपने पहले तो देखा ना, जो आपकी असली मुर्गी भी बैठी तो वो भी यही हुआ, आखिरी अंडे पे बैठ गई, आपने बाकी अंडे भी उठाए उसके नीचे रख दिए। बाबर विक्की चाचू, आप लोग ये कर क्या रहे हैं शीशे के साथ? हम लोग बीबर्स की फरमाइश के ऊपर वो कह रहे थे ना कि कोई गेम्स लेके आए, अभी तक आप लोग गेम नहीं करवा रहे थे, उसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज एक बहुत यूनिक और अच्छा गेम जो है आप लोगों के लिए लेके आए, जिसमें हमारे गिनी पिग और ये रैबिट्स और छोटे ये जितने भी चूहे हैं एवेंजर्स वगैरह, इन सब की रेस करवाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएंगे। बाबा और विक्की चाचू ये कांच उठा के उस जगह पे रख रहे हैं जहाँ रेस होने वाली है, यहाँ नहीं होगी, इधर अभी हम सुखाने के लिए रख रहे हैं। रेस जो होगी असल वो यहाँ पर होगी, यहाँ पर पूरी रेस का हमने बना दिया, यहाँ मिट्टी विट्टी डाल दी कि सही से रेस हो, कोई चीटिंग ना हो इसमें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के एक और नए ब्लॉग में आप सबको खुशामदीद, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों हमने जो है ना कल रात में जो है ना लेट नाइट अपनी जो हमारी गिनी फॉल्स थी उनके सारे एग्स हमने बाहर निकाल लिए थे, वो इसलिए क्योंकि भाई ने जो है ना वो सख्ती से मना किया, वो कह रहा है कि यार तुम लोग बेवकूफ़ी कर रहे हो, तुम लोगों ने अंडे अभी से रख दिए हैं, गिनी फॉल जो है ना अभी कुड़क नहीं हुई है, जब ये अपना लास्ट अंडा खुद से देगी तो वो कुड़क हो जाएगी, तो वो उस पर अंडे में बैठ जाएगी, तो तब आप सारे अपने जमा किए हुए अंडे नीचे रख देना। और भाई ने जो बोला बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है, वैसे रात में हमने सारे जो है ना अंडे उठा लिए थे और अभी हम आए ना अपने जू के अंदर, तो गिनी फॉल ने आज फिर अंडा दिया हुआ है, ये देखे मैं आपको दिखाता हूँ इधर, और ये देखे वो पड़ा हुआ अंडा, गिनी फॉल ने आज फिर अंडा दिया है। इसका मतलब ये है कि जब तक ये दोस्तों गिनी फॉल अंडे देती रहेगी तो डेफिनेटली वो कुड़क होगी नहीं, तो जैसी वो कुड़क होगी फिर हम बाकी सारे अंडे भी रख देंगे नीचे, और डेली जो ये अंडे देती जा रही है उसको हम जमा करते जाएंगे अपने पास। और बाबा उदासी की बात ये है कि आज आयदा ने चेक ही नहीं गिनी फॉल को। आयदा ने आज इसलिए चेक नहीं किया, आयदा आज तो आपने अपने गिनी फॉल के अंडे चेक ही नहीं किया, आपकी फ्रेंड आई हुई थी इसलिए। अच्छा आप दोनों ऊपर क्यों बढ़ गए हो? इससे तो पूरी दास्तान बता दी अपनी। अच्छा हवा भी अच्छी आ रही है और व्यू भी अच्छा आ रहा है, चलो आप एंजॉय करो फिर दोनों। ये जो है ना गिलास हम भी हमने धो के यहाँ पे रख दिया है, और आज जो है ना हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वाली प्लेस के ऊपर जो है ना कुछ हम जो है ना छोटी सी कोई रेस वगैरह करें, क्यों हमारा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इससे पहले हमने लॉन्ग टाइम बैक एक ब्लॉग बनाया था जिसके अंदर हमने टर्टल की और रैबिट की आपको रेस दिखाई थी, तो इसी तरह का हम कुछ करना चाह रहे हैं यूनिक सा, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और हमारे को भी जो थोड़ा सा ना डिफरेंट यानी एक्सपीरियंस हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन कर ली ऑलरेडी, यहाँ पे जगह वगैरह क्लीन कर दी है, बस अब ये ग्लास जो है ना वो क्लीन कर रहा है अबान, ये जैसे क्लीन होगा तो फिर हम यहाँ लगाते हैं और फिर जो है ना स्टार्ट करते हैं रेस को। बाबा इस बार रेस में पिछली बार के डिफेंडिंग चैंपियंस नहीं होंगे यानी कि टर्टल्स? नहीं, टर्टल्स को भी शामिल करेंगे, और इसके अंदर यानी कि वही बात है कि अभी हम लोग कहते हैं हमारे जो ब्लैक एंड ब्राउनी है, टर्टल्स है, रैबिट है, एवेंजर्स है, इन सब को हम ट्राई करेंगे, सबको बारी बारी जो है ना रेस करवाएंगे। टर्टल्स का रेस हाँ उनकी भी करवाएंगे। अच्छा पहले ब्लैक एंड ब्राउनी की होगी, फिर ब्लैक एंड ब्राउनी और गोरगोस की होगी, टर्टल किसी को वोट देगा ऐसे करेगा वोट वोट। यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने ये ग्लास लगा दिया है, और बबलू को जो है ना इस पोर्शन से अभी हम कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए हटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर बबलू रहेगा तो बच्चे गेम नहीं खेल पाएंगे। आओ लेके आ जाओ बान, आओ लेके आ, लेके आओ, मैं साथ देता हूँ तुम्हारा, आओ इधर लेके आओ, पकड़ो बाबा, ये डेंजर जोन से ना पीसफुल जोन बन गया। आ जाओ शाबाश, चलो इसको इधर बांध दो, बबलू को हम यहाँ पे बांधेंगे और फिर उसके बाद हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं, सही है? रेडी हो सारे बच्चे? डेंजर जोन
हाँ अभी तीनों बाहर आ गए, शिपू भी बाहर आ गया है और बबलू भी बाहर आ गया है। और नबील अभी आप खंभा क्यों पकड़ के खड़े हुए थे भाई? अबे यार ये रस्सी अपनी चबा रही है, देखो ये कौन चिंकी। हाँ ये अभी मैंने इसके पूरी देखी, पूरा आधा आ गया इसके मुंह से इधर तक आ गई, मैं तो वो देख के कर रहा। ये देखिए 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 चैन को चबा रही है। नहीं 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 आएगी नहीं आएगी, मजबूत बंदी भी है, कोई मसला नहीं है। ये कोशिश वही कर रही है। क्या हो गया चिंकी है? ये रस्सी को इसके धागे निकल रहे हैं वो देखो। ये डोरी जो बंदी भी है उसको काट। ये देखो मोबाइल पकड़ रही है। तुमने क्या करना है मोबाइल पकड़ के? तुमने भी जो है वो लेडीज की तरह सेल्फियां लेनी है। अभी जो है ना गेम स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे जितने भी बच्चे हैं ना जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सबके सब जो है ना अपने पसंद का एक एक एनिमल चूज करेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, कोई फाइट नहीं करनी है भाई। ठीक है, अब आप लोग जो है ना एक एक एनिमल अपना चूज करो। आप कौन सा ले रहे हो? मैं लूंगा वन एंड ओनली खतरनाक ब्लैक एंड ब्राउनी। ब्लैक एंड ब्राउनी हो गया। आपका कौन सा है? बटेर ले रहे हैं आप। और आप क्या ले रही है? एवेंजर्स ले रही है। आप क्या ले रहे हैं? आप रैबिट ले लें। रैबिट और टर्टल दो रह गए। रैबिट आप टर्टल्स, आप पहले ही बोले थे टर्टल्स। और आयरा जो है ना वो तो हमारे साथ है। ठीक है, आयरा ऑर्गेनाइज करवा रही है ना। आप लोग खेलोगे पार्टिसिपेट करोगे, आयरा हमारे साथ ऑर्गेनाइज करवा रही है। ओके, अब जल्दी 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 अपनी चीजें पकड़ लो जल्दी से। आयरा प्रोड्यूसर है। बाबा बाबा रैबिट तो पहले भी हार गई थी, मैं वापस हारूंगा आज। नहीं ना, आज विश करोगे वो जीत जाए, पहले का बदला ले लेना। अच्छे से लूंगा। अभी जो है ना दोस्तों सारे बच्चों ने अपने अपने एनिमल ले लिए। अबान ने ले लिया है ब्लैक एंड ब्राउनी, ये इकरा का जो है वो अभी नबील के हाथ में टर्टल। ठीक है भाई इकरा। और ये कहते हैं रैबिट लिया है अजलान ने, उबैद ने जो है बटेर लिया है, और आयजन ने जो है एवेंजर्स टीम से लिया है। ठीक है भाई गेम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसका गेम होना है? मैं एक चीज ये कंफर्म बता रहा था कि अगर इन दोनों की रेस में एक जैसे के साथ करवा रहा हूं गिने पिक की और रैबिट की, क्योंकि अगर इनके साथ करवाएंगे तो अनफेयर हो जाएगा। ठीक है, ताकि फेयर रहे इसलिए जो है पीतर की और एवेंजर की रेस होगी, आयरा की तरफ से। चलो ठीक है भाई, चलो भाई स्टार्ट करो फिर। आज पहला गेम किसका हो रहा है? सबसे पहले होगा ये पिक और रैबिट का। ब्लैक एंड ब्राउनी जो है हमारी टीम का वो आएगा। और आ जाओ भाई, रैबिट आएगा ना, रैबिट आएगा ना, रैबिट आ जाओ जल्दी आ जाओ। नहीं आप लोग इधर से स्टार्ट करो, इधर से आओ। अब ये दोनों के दोनों अपने एनिमल्स यहाँ पे छोड़ रहे हैं अबान और अजलान। इन दोनों के एनिमल्स के लिए हमने यहाँ पे रख दिया खाना। ठीक है, खाना देख के ये लोग कौन पहले आता है कौन नहीं आता फिर वो जीत और हार का फैसला होगा। सही है भाई, रेडी हो दोनों? चलो भाई छोड़ो फिर, मेरा ब्लैक छोड़ दो। ओ भाई रैबिट गया, रैबिट गया, रैबिट गया, रैबिट का फिर कोई मामला है वो फिर रुक गया, रैबिट फिर रुक गया, रैबिट जीत गया, क्योंकि रैबिट जीत गया भाई, रैबिट जीत गया, रैबिट जीत गया। तुम्हारा जो है वो ब्लैक एंड ब्राउनी रह गया भाई। चलो कोई बात नहीं, अब जो विनिंग हो गया उसका किसके साथ होना है? अब बटेर आएगा और कहते हैं वो आएगा, कहते हैं एवेंजर्स की टीम का। तुम्हारा ब्लैक एंड ब्राउनी आउट हो गया है, आपका विनिंग हुआ है ना, तो आप अपने पास रखे इसको जी। आपका भी आएगा अभी, आपका भी आएगा। ठीक है, ओके, अब एवेंजर्स और हमारा जो बटेर है वो जाएंगे। भाई एवेंजर्स गया, एवेंजर्स जीत गया और बटेर तुम्हारा रह गया। इतनी जल्दी जल्दी रेस खत्म हो गई। दोनों दोनों गेम के अंदर जो हमारे बड़े बड़े जो थे ना पार्टिसिपेट कर रहे थे, दोनों हार गए। यहाँ से उबैद हार गया और यहाँ से अबान हार गया, और दोनों जो है ना छोटे जीत गए। अजलान भी जीत गया और आयजा भी जीत गई है। अब जो बारी है ना, बारी है इकरा की और आयरा की। आयरा के लिए भी टटर लेके आओ भाई, आयरा के लिए भी टटर लेके आओ। आयरा आपका टटर होगा, ठीक है, आपने जितवाना है। ओके, टटर को क्या बोलना है? टटर को क्या बोलना है? गो गो गो। सही है, क्या बोलना है? गो गो बोलो। बोलो गो गो हाँ ऐसे बोलना है। ठीक है, अब जो है ना हमारे दो जो लिटिल जो हमारे हैं कहते हैं पार्टिसिपेशन जो कर रहे हैं उनकी अब बारी है। आयरा पकड़ो, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी आप पकड़ो, अभी आप पकड़ो, आप उधर जाओ पीछे स्टार्ट लाइन पे जाओ। चलो भाई चलो, वन टू थ्री छोड़ दो, आयरा छोड़ दो, आयरा छोड़ दो, छोड़ दो, गो गो बोलो, गो 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 गो। ओए इकरा वाला जा रहा है, इकरा वाला जा रहा है, आयरा वाला जल्दी आओ, जल्दी 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 छोड़ दो, 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 इकरा वाला
छोड़ दो भाई, एक मिनट, बस ये अनफेयर रेस हुई, ये रेस दोबारा होगी। क्यों नहीं यार, वो छोटी को पता नहीं था वरना उसका जीत रहा था। दोबारा से करो। चलो भाई एक दफा फिर स्टार्ट करते हैं। इन दोनों का जो है ना थोड़ा सा मिस हैपनिंग हो गई है, फिर स्टार्ट करते हैं। फिर से इनकी रेस स्टार्ट हो रही है भाई, ठीक है, दोबारा से कर रहे हैं भाई। चलो भाई 1 2 3 चलो छोड़ दो। आयरा छोड़ दो, आ जाओ ट्रैक्टर ला जाओ, जल्दी आओ। वो तो आई नहीं रहा आयरा वाला, वो इकरा वाला जा ही जा रहा, भागे जा रहा है। वो 401 का, आ जाओ जल्दी आओ, हरकत करो, ये लो हरकत करो, जल्दी आओ, आ जाओ। वो जीत गया भाई, आयरा वाला हार गया भाई। इधर कोई एरर आया, हैंग हो गया। अब चलना शुरू हुआ है यार। आयरा आपका हार गया यार। चलो कोई बात नहीं, अब आया ये तेजी में, ये देखें, ये ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, समझ रहे हो, ये आ रहा है देखो। चलो कोई बात नहीं भाई। हाँ, अजलान विनर हुआ है पहले गेम में, फिर दूसरे गेम में आयजा हुई है, और तीसरे गेम में इकरा हुई है। भैया जो सेमीफाइनल विनर है ना उसकी रेस हो रही है, फिर इसके बाद फाइनल रेस होगी, एक लास्ट रेस जो है। चले ठीक हो गया। अभी जो है ना आज फिर जो है ना दोबारा से हमारा रैबिट और टर्टल की एक दफा फिर रेस आ गई है, खुद ही आ गई है, क्योंकि दोनों एक एक मैच जीते ही है। तो अब फाइनल सेमीफाइनल मैच हो रहा है भाई आप लोगों का, सही है। आप दोनों में से जो भी विनर होगा उसका भी मैच होगा आयजा के साथ, सही है, जो एवेंजर्स टीम है। चलो भाई 1 2 3 छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई। ये भाई रैबिट जीत जाएगा इस दफा फिर। ये रैबिट और टर्टल का कोई मामला है यार, हैं? कोई मामला है? रैबिट यार, ये क्या चीज है, ये हर दफा मामला हो रहा है। खरगोश क्यों रुक जाता टर्टल को देख के यार? नहीं, गलती नहीं, कोई भी आयरा का टर्टल, इकरा का टर्टल जीत गया भाई, सही है। अब आयजा के साथ मैच होगा इकरा का, और इन दोनों का आपस में, सही है भाई। मेरा जीतेगा। चलो फिर देखते हैं किसका जीतेगा। लेकिन यार दोस्तों ये फिर एक आज दफा फिर एक अमेजिंग चीज हो गई। लास्ट वक्त हमारा एक ब्लॉग था उसमें भी जो है ना रैबिट हार गया था, टर्टल जीता था, और आज फिर वही हुआ यार। ऐसा क्यों है नबील? यार ऐसा बात नहीं है, असल में इस बच्ची ने सही टर्बो पकड़ा है, ढूंढ के लेकर आई टर्टल है। चलो अभी इसमें फैसला हो जाएगा ना कौन जीतता है भाई। लेकिन अब इसके लिए आप बाजरा दिखाएंगे एक के लिए, और एक के लिए आप लूसन दिखाएंगे, ठीक है? ये वाला बाजरा दिखाएंगे अब बाबा। चलो भाई स्टार्ट है। अच्छा टॉर्चर किया उसे? चलो भाई रेडी हैं आप दोनों बच्चियों? चलो भाई 1 2 3 छोड़ दो। ये इकरा का हार गया भाई, आयजा का जीत गया। लेकिन आ रहा है वो भी स्पीड में, आ रहा है वो भी। वेरी गुड भाई, आपका जीत गया, विनिंग हो गया भाई। विनर को कोई तो गिफ्ट दे आप नबील भाई। विनर के लिए बहुत सारी टॉफियां लेके आए हैं, अब वो सारे बच्चों में खुद। अच्छा विनर जो है ना अपने सारे जितने भी पार्टिसिपेट किए सबके साथ शेयर करेंगे, ठीक है? आपको टॉफी देंगे, आप सारी टॉफियां इनके साथ भी शेयर करेंगे, ओके? अच्छा दोस्तों एक चीज और है, आप ये सोच रहे होंगे ना क्या कहते हैं, जो हमारा एवेंजर्स है वो स्पीड से भागता है और टर्टल जो है वो थोड़ा स्लो भागता है। लेकिन एक चीज इसमें और भी है जो नेगेटिव है एवेंजर्स की साइड, वो ये कि जो एवेंजर्स है ना, यानी कि ये जो चिक्स है, ये चिक्स कभी भी सीधे नहीं भागते, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, और अपनी जगह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जबकि टर्टल जो है ना ज्यादातर अपनी सीध में चलता है, तो ये भी एक नेगेटिविटी थी एवेंजर्स की, लेकिन फिर भी एवेंजर्स जीत गया है। चले भाई अब आयजा को जो है ना ये देखें, ये विनिंग हुई है तो इसको इतनी सारी टॉफियां मिली हैं। अब आप टॉफियां सबके साथ शेयर करें बहन भाइयों के साथ। चलो भाई आयजा एक टॉफी ले लो, थैंक यू बोलो, थैंक यू। चलो भाई अब इधर भी दो, जो सारे लूजर्स है सबको दो, लूजर्स को कांग्रेचुलेशन। चलो भाई आयजान को भी दो। हाँ ये नहीं सेमीफाइनल में तो आप पहुंचे थे, ठीक है फाइनल में आया। तो ये जो है वो विनर हुई है आयजा, और ये रनर्स अप हुई है, सही है ना भाई? आप लोग पहले मैच में अपने निकल गए बाहर। तो ये था दोस्तों हमारा आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बच्चों आप लोगों को कैसा लगा आज मैच में?